क्लियर हो गया ड्रॉप शिपिंग का। और क्लाइंट पक लो, क्लाइंट पक लो, अपनी हाथ साफ कर लो। हाँ, पाकिस्तानी क्लाइंट पकड़ो, अपने हाथ साफ करो, सारा डैशबोर्ड समझो, उसके बाद गोरो से काम करो। हाँ ऐसा बिल्कुल, ना हो कि गोरो से आप काम करने में आप उससे सही तरीके से काम नहीं कर पाए और आपको वो जो है ना हायर ही नहीं करे। अच्छा मेरी आवाज क्लियर, स्क्रीन सब कुछ हो रहा है? जी ये हो रहा है। अच्छा, इस पे हमने लिस्टिंग की है, तो अब लिस्टिंग के बाद आपने क्या करना है कि आपने जस्ट एक तो ये है कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये नॉर्मल जो अकाउंट है ये लिंक करना ये लाजमी है या नहीं। यार ये बहुत बहुत ज़्यादा लाजमी है, इससे आप ट्रिपिक ला सकते हो, जो ऑर्गेनिक ऑर्डर वगैरह आते हैं यही से आते हैं। ठीक है, तो अभी तक बाई ने तो नहीं किया है, लेकिन जस्ट देखते हैं। नासिर भाई ये क्यों नहीं वो किया सिम आपने? मंगवाई है आजाद भाई। आजाद भाई सिम नहीं है ना, फिजिकली वर्चुअल नंबर है, तो वो तो अब उस पे दूसरा चाहिए, नॉन पीटीए वाला फोन। तो मैंने अब सिम ऑर्डर किया है, इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन में आ जाती, तो अच्छा, वो इंशाल्लाह फिर उससे अच्छा करवा आपके दूंगा। लिए अकाउंट नहीं बनाया था मैंने, आपने अकाउंट तो बनाया था मेरे लिए, वो आपके अपने पास बना हुआ है अकाउंट, लास्ट टाइम आपने बनाया था। मैं देखता हूँ अगर वो है तो। सिम पहले ये भी क्लियर कर ले, ये भी बहुत बड़ी इशू है यहाँ से। एनएम शायद आपने नाम भी रखा था। अच्छा, यहाँ से आप ट्रिप एक हद तक ला सकते हो, ऑर्गेनिक सेल यही से आते हैं। ये किस तरह लिंक करना है ये जरा बता दें। अच्छा मैं एक सेकंड मुझे दे, अगर ये मेरे पास नासिर भाई का अकाउंट होगा तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा नासिर भाई अपना नंबर बोल दे, पाकिस्तान का के वाई की का, वाई की का। अच्छा मैंने बनाया था, आप श्योर हो? जी जी मैं उस दिन आपको ने बनाया था, मुझे ले इसका आया भी था। अगर नहीं बना हुआ तो नहीं ओपन होगा फिर, यही है ना। सेवन फोर डबल सेवन 7477 2058 2058 डबल वन डबल वन चाहिए। ओटीपी जब तक जाती है तो हम 7477205811। जी जब तक ये हो जाता है तो हम तक ये कर लेते हैं। अच्छा, तो प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपने उसकी वीडियो डालनी है लाजमी, फिर वीडियो में उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट को लिंक करना है, मस्ट है ये। ठीक है, आपने हैशटैग गूगल से उठाने हैं कि कौन सी यूके में ट्रेंडिंग चल रही है, जस्ट गूगल में जाके सर्च कर लेना है कि मतलब ट्रेंडिंग हैशटैग अब यूके, इस तरह कुछ सर्च कर देना तो आपके बहुत सारे हैशटैग आएंगे, वो यूज़ कर देना है। अगर आप एड्स चलाते हो तो एड्स चलाने में आपने टिकटॉक मेड मी बाई ये हैशटैग यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये अब आप जब बनाते हो तो एजेंसी वाला जो भी आपका अकाउंट बनाएगा वो भी पूरेगा। अच्छा नासिर भाई ओटीपी बता देना। ठीक है, तो नहीं, जाहिद भाई नहीं आया, ओटीपी भी आ जाएगी। ये आ गया 5214 77। ठीक है, तो एक सिम पे एक ही अकाउंट बना सकते हैं, अगर वो हो आपके पास तो फिजिकली सिम आप उससे चला सकते हो बहुत, लेकिन बना एक सकते हो। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, ये पहले जैसे बना हुआ अकाउंट जाहिद भाई तो लॉगिंग हो गया है, लेकिन पता नहीं ये पाकिस्तानी ऐप पे हुआ है या अभी पता चल जाएगा। अभी मैंने क्यूआर कोड यहाँ पे खोल दिया और यहाँ पे मैं जस्ट क्यूआर कोड को स्कैन किया, ऑथराइज का ऑप्शन आ रहा है, मैं ऑथराइज कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यूरोपियन रीजन का मसला रहा है ना, सही। अच्छा ये पाकिस्तानी बेस पे आईपी पे नहीं बनाए, मैं भी आई थिंक सो, इसको मैं देखता हूँ, इसको लास्ट तक में इसका कुछ हल निकल रहा हूँ। अच्छा लिस्टिंग करने के बाद आपने नॉर्मल टिकटॉक पे वीडियो डालनी है, एक दो वीडियो लाजमी डालनी है, उसमें प्रोडक्ट का लिंक मेंशन करना है, अगर टाइम हो तो आपने उसी प्रोडक्ट पे लाइव जाना है। ठीक है,
लाइव जाना है, बस जस्ट आपने वहाँ पे उस कंपटीशन होती है वो करना होता है, और वो जो अलग अलग जो क्रिएटर होते हैं उसके साथ वो कंपटीशन होता है वो करनी है, और उसमें अपने प्रोडक्ट को बार बार लिंक करना होता है, टिकटॉक शॉप को लिंक करना होता है, सही है, ये लाजमी कर देना है। फिर उसके बाद आपने आना है प्रमोशन में, जब लिस्ट करते हो ना तो आप प्रोडक्ट हंटिंग, जैसे आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हो तो आपने जब कैलकुलेट करते हो कितना मेरा बजट निकल रहा है, तो आपने इसका जो है प्रमोशन का बजट पहले से ही काट लेना है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे मतलब आते हैं इम्प्रेशन आते हैं कार्ड के थ्रू, तो प्रमोशन टूल में आना है आपने, तो आपने फिर नासिर भाई के केस बनाया है, नासिर भाई का अपना वाईकी का नंबर है, उसकी नंबर पे बनाया है अभी नासिर, एक अगर नासिर भाई की वाईकी नंबर पे एक अकाउंट बन जाए तो मेरे ख्याल में दूसरा नहीं बना सकता, तो इस तरह सीन है बायर अकाउंट। अच्छा यहाँ पे प्रमोशन टूल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं प्रोडक्ट डिस्काउंट, फ्रेश डील, वाउचर वगैरह, लेकिन सबसे अहम अहम जो होता है, जो मुझे लगता है, फ्लैश डील और वाउचर, नजर आ रहा है ना, फ्लैश जी डील वाउचर ये लाजमी आपने लगाना है, ठीक है। आपने जस्ट पहले वाउचर लगाना है, दोनों साथ लगाना है, अगर आप एड्स भी चला रहे हो या आप एड भी कर रहे हो तो तब भी ये करना है, कि यहाँ से बहुत बहुत सारे आते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, तो वाउचर यहाँ पे लाइव में और रेगुलर में करना है, तो आपने लाइव में इतनी मतलब आप तो लाइव हो जाते नहीं इतना खास, तो आपने जस्ट यहाँ पे रेगुलर पे करना है, यहाँ से आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो किस डेट तक रहे, ठीक है। तो ये वाउचर का नाम मैं रख देता हूँ, जैसे ठीक है टेस्टिंग, और यहाँ से आप ये अभी 6 तारीख है तो 6 और ये 8, ये 2 दिन तक चलता है, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, इसका डेट वगैरह। अच्छा नहीं, अच्छा ये 2 महीने तक का कह रहा है, 12, 8, 4 और 8। हाँ यार, बस यहाँ से आप जस्ट आके मतलब कर सकते हो वो भी। यहाँ से टाइम भी कर सकते हो, और जस्ट आपने टाइम वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपने एक सेकंड यहाँ पे ये यार, छठा महीना है ना, जुलाई है, जी जी जुलाई, जुलाई यार 4 जुलाई हो गए, 8 हो रहे हैं, मेरे ख्याल में इतना हो गया। पांच छः सात आठ, हम कितनी तक, जुमरात तक, कितना जुमे तक आप रख लो, जितना आपने, फिर आपने अपने हिसाब से टाइम जोन रख लें, ठीक है, जितना आप कर सकते हो, मैं तो सोचूंगा कि आप महीनों तक कर सकते हो, ठीक है, 10/6/2023 ये ठीक है, 10 तारीख तक कर सकते हैं, ये भी इतना खास नहीं है, स्पेसिफिक पीरियड टाइम मतलब वो भी अमाउंट अमाउंट पे आना है, परसेंटेज पे भी आप कर सकते हो, और यहाँ पे अमाउंट में भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं 0.50 कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा ना हो यहाँ पे मैंने 50 लिखा, इस तरह आपने नहीं कर देना है यार, बहुत 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 ध्यान से करना है, फिर आपने 5.0 लिख दी। अगर यहाँ पे ज्यादा हो गया तो फिर आप लॉस में चलोगे, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, और सेट वैल्यू, ये मिनिमम स्पेंड सेट वैल्यू पे मैं कर देता हूँ, कितनी आपकी लिस्टिंग प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, चलो हम जो अभी मैंने आज की है, मेरे ख्याल में उसकी 22 रखी हुई है, मैंने शायद 22 यार पे अपने मिनिमम 15 में रख देता हूँ, एस्टिमेट स्पेंड, अगर वो 15 पे स्पेंड 15
स्पेंड करेगा तो उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा 15, अगर वो 15 पाउंड स्पेंड करता है ना। एक सेकंड में सर्च करता हूं, अगर वो ये डिस्काउंट के लिए कॉलम है। हाँ, अगर ये आप वहाँ पे 15, यहाँ पे आप वाउचर की क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह है, यहाँ पे अगर वो 15 पाउंड स्पेंड करेगा तो उसको मिलेगा 0.50% डिस्काउंट, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे भी कर सकते हो और एंटर शॉप पे भी कर सकते हो। तो वो अगर आप स्टार्ट में हो तो स्टार्ट में, अगर आपके 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट है तो आप फिर आप शॉप में भी कर सकते हो, करनी तो फिर आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट आपका 2-3 पाउंड का होगा और उसके बाद आप 50% डिस्काउंट भी लगा लो एंटर शॉप पे, तो उसमें भी वो काम होगा। एंटर शॉप का मतलब जितनी भी प्रोडक्ट है आपकी शॉप में वो सब ही इसमें आएंगे। तो मैं अभी क्या करूँ ना सर भाई, आपने कैलकुलेट क्या है? इंटर शॉप पे ही करते हैं भाई। तो एंटर शॉप पे करके मैं, अच्छा स्टार्ट डेट एंड डेट स्टार्ट डेट जी हो गया, ठीक है। जी फोन 2023 और यहाँ पे एंड डेट में कर देता हूँ 10, ठीक है। बाकी सेट है और यहाँ पे मैं जस्ट पब्लिश कर, यार ये क्यों नहीं सही हो गई यार, यहाँ पे आपने विराट वो कर देना है। अच्छा ये अब वाउचर हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लग गया है, अगर कोई 15 पाउंड हमारे प्रोडक्ट शॉप पे स्पेंड करता है तो उसको 0.50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने आना है फिर से प्रमोशन में, प्रमोशन में आने के बाद आपने प्लेस डील पे आना है। ये प्लेस डील अगर ये दोनों साथ हो जाए तो बहुत 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 मजा आता है फिर इसको देखने में भी। अच्छा तो यहाँ पे भी आप प्लेस डील वगैरह उसकी मतलब डेट, वही डेट सेम वही पुराना सीन है, ये डेट चेंज कर सकते हो, कितने दिन तक रखना है, क्या कर देना है, ठीक है। डेट और साल और महीना वगैरह वो बस ये पुरानी वही है। अब जहाँ नाम ये भी रख सकते हो, लेकिन आप पहली है पहली से स्टार्ट से अगर आप एक प्रोडक्ट पे प्लेस डील लगा रहे हो तो उसी प्रोडक्ट का नाम लिखो, कि आपके बाद में जब लिस्टिंग हो जाएगी ज्यादा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा यार इसके नाम मैंने क्या रखा था, फिर वो सर्च करना होता है। यहाँ पे मैं जस्ट टेस्टिंग सेलेक्ट प्रोडक्ट में इसमें मैं मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ठीक है। अब मैं जाके ये अच्छा इस पे प्लीज डील का प्राइस 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 ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज डील इसकी प्राइस है 25.99, इस पे कितनी का प्लेस डील लगाना है वो आपने पहली से मैं बता रहा हूँ। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो प्रोडक्ट हंटिंग में तो आपने आपने सोचा होगा कि यार इस प्रोडक्ट पे मैं इतना डिस्काउंट या प्लेस डील लगा लूंगा, ये पहली से आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब तो फिलहाल वो ड्रॉप शिपिंग है तो इसमें इतना नहीं होगा, अगर हम इसमें कितना लगा ले नासिर भाई आपके ख्याल से, आपका अकाउंट है पर बाद में मुझे गाली नहीं देना। नहीं नहीं गाली वाली कोई बात नहीं, इसमें मैंने असल में वही मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ अभी तो लिस्टिंग करके, तो इसमें लगा दें 10% लगा दें या 5% लगा दें, यहाँ पे परसेंटेज अभी परसेंटेज कुछ करके अभी हम यहाँ पे करते हैं। चलो मैं 5 प्रोडक्ट का लगाता हूँ तो बहुत बहुत ज्यादा जाएगा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ 3%, नहीं ये पॉन्ड है आई थिंक जैद भाई जी, मैं कह रहा हूँ ये जो आप लगा रहे हो आई थिंक ये प्राइस है कि कितना डिस्काउंट आप दे रहे हो, परसेंटेज नहीं होगा, परसेंटेज आगे आ रहा है थिंक। सही सही सही। अच्छा तो परसेंटेज यहाँ पे नहीं यार 12%, ठीक है ना। अभी मैं यार कंफ्यूज करके रखा, अभी यहाँ पे वो लगाने ला है ना, अभी ये 25.99 का बिक रहा है, अभी मैं इसे कर देता हूँ डील प्राइस क्या होगा, डील के बाद इसका प्राइस क्या होगा जब हम प्लेस डील लगाते हैं
इसका प्राइस क्या हम रखते हैं, तो हम रखते हैं यहाँ पे 23.99, ठीक है। अभी ये खुद 8% इस पे लग गया, इसका है तो अगर परसेंटेज आनी है तो आगे परसेंटेज लिख दें 10%, वो वहां पे ऑटोमेटिक। हाँ 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 बिल्कुल इसी तरह। तो अभी इस पर प्रॉफिट तो आपने निकाला है ना, अब मैं इस पे लिखता हूँ 20.99। ये आपने जस्ट एक मतलब अभी मैं 20 या 21 नहीं लिखना है, ठीक है, 99 इस तरह कुछ समथिंग लिख देना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये भी 23.99। ये जस्ट मैं वैसे ही अपने आपसे कर रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है कि किस मतलब इसका वो कैलकुलेट नासिर भाई ने किस तरह किया है, तो बस आपने जस्ट अपनी कैलकुलेट कर देना है पहले ही से, सही हो गया। या पे आप लिमिट भी कर सकते हो कि कितनी लिमिट पे वो परचेज कर ले वगैरह, बायर परचेज लिमिट, लेकिन हम यहाँ पे लिमिट नहीं रखते। तो आपने जस्ट ये चाहिए नहीं किया यार, तो 5 से स्टार्ट होके इन कर देगा ये 10 तक। हाँ लगाया तो है, अच्छा 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 सही सही सही। ये 3 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते आप, 5, 6, 7, 7। अच्छा जैसे ही आप 3 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, अगर आप दूसरा लगाना चाहते हो तो दूसरा भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया दोनों, तीनों प्रोडक्ट हमने इस पे एड की थी ना। हाँ हो गया दोनों पे प्लेस डील। अभी ये 5-6 मिनट बाद ये एक्टिव हो जाएगा, तो ये आप बायर अकाउंट से भी देख सकते हो और जस्ट आपने अपनी लिस्टिंग में आना है वहां से भी देख सकते हो, लेकिन बायर अकाउंट से बहुत अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे आ गया, इस पे लग गया है, ठीक है, इस पे डील प्राइस और डिस्काउंट लग गया है, ठीक है। तो ये जस्ट आपने लिस्टिंग करने के बाद ये लाजमी कर देना है, जस्ट आपने 2 वीडियो डालनी है और इसके बाद डिस्काउंट लगाना है और प्लेस डील, ठीक है। हम तब लगाते हैं जब हमें एक प्रोडक्ट में कम से कम 8-9 पॉइंट प्रॉफिट आ रहा हो। हाँ नहीं, आप छोटे में भी कर सकते हो, आपने बस फिर कम लगाना है। अभी मैंने वहां पे मैंने पहले भी कहा कि आपने पहले कैलकुलेट करना होता है। अभी जस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि आपको दिखाने के लिए, फिर वहाँ पे मैंने यहाँ पे कितना लिखा, मेरे ख्याल में 8% डिस्काउंट, या आप 1% भी दे सकते हो, 8 और 9%, एक भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 20 भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, आपके प्रोडक्ट पे उस पे कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है। और मेरा क्वेश्चन सुबह भी मैंने इजाद भाई पूछा था कि ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो मैंने तो नीचे जाके देखा था कि कोई यानी कितने व्यूज आ रहे हैं या कोई देख रहा है हमारा। सही, वो आपने मैंने आपसे कहा कि वो बाय डेटा एनालिसिस में, आई थिंक स्क्रीन इंप्रेशन ये नीचे नहीं जा रहा, जब बाय अकाउंट लिंक हो जाए ना इसकी, ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, फिर यहाँ पे नीचे आता है, जब आपका ये पूरा हो जाए ना तो आपको एक तो तुम्हारा यहाँ पे ब्लू टिक लगेगा, एक ग्रीन टिक। ओके, यहाँ पे इंटरफेस पूरा चेंज हो जाएगा, जिस तरह मैंने अपना दिखाया था ना वहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, नहीं तो आपके पास दूसरा भाई की क्या नंबर है? नहीं जाद भाई मेरे पास यही एक ही है, तो मैं देखता हूँ इस पे अकाउंट बन जाए। हाँ हो गया, देख लिया ये जस्ट आपने फोन से सिर्फ स्कैन किया टिकटॉक वहां पे करके और उसको सिर्फ स्कैन किया यहाँ। अभी अभी मैं बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ये सबने देख लिया ना? जी जी जी। तो इसका यूजर नेम है, वो आप चेंज भी कर सकते हो बाद में, ईमेल हमने नहीं डाला है, इस नंबर पे अकाउंट बना है और ये शॉप का नेम है, इस अकाउंट का भी नेम है। तो मैंने जस्ट ये क्या है, अब मैं पहले ये कर लो एक सेकंड, लिंक दिस अकाउंट, ये देखो ये हो गया लिंक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एक बायर अकाउंट बनाया है नासिर भाई की, मतलब जिस आपने जस्ट
कुछ भी नंबर हो यूके का, वर्चुअल हो, कुछ भी हो, बेसिकली आपने जस्ट उस पर बायर अकाउंट बनाना है, और फिर अगर आपके पास फिजिकली सिम है तो फिजिकली सिम मोबाइल में डाल के उस यूके रीजन का टिकटॉक डाउनलोड कर देना है, और फिर बाद में आके यहाँ पे लिंक अकाउंट में जाना है, यहाँ पे आपको QR कोड शो होगा, फिर आपने जस्ट नॉर्मल टिकटॉक में जाना है, उस पर राइट साइड 3 डॉट्स पे जाना है, 3 डॉट्स में आपको आप एक QR कोड बनाएगा, वहां से जाके QR कोड पे क्लिक करके QR कोड स्कैन कर देना है, फिर आपके पास आएगा ऑथोराइज, तो आपने सेलर सेंटर और टिकटॉक का शॉप अकाउंट वो ऑथोराइज कर देना है, जब ऑथोराइज कर लेंगे तो फिर आपके पास यही इंटरफेस आ गया कि आपका अकाउंट हो गया। फिजिकली सिम लगा के जाहिद भाई, फिजिकल सिम लगा के जस्ट टिकटॉक डाउनलोड करना है? हाँ, आपने पहले टिकटॉक इंस्टॉल कर देना है, फिर मोबाइल शट ऑफ मतलब मोबाइल ऑफ करके सिम डालना है, फिर ऑन कर देना है, फिर जब आपका एक बार फिजिकली मतलब यूके रीजन का टिकटॉक डाउनलोड हो जाए